गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः सः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपसे पात्रता की बात कर रहे थे। व्यक्ति के पास में जो कुछ भी उसके पास है वो केवल वर्तमान उसके पास है, वर्तमान का सदुपयोग करते हुए व्यक्ति अपने लिए ईश्वरीय पुरस्कार उसकी पात्रता के रूप में वर्ण करता है। और जो वर्ण करता है उसको पुण्य और परमार्थ में लगाता है। ध्यान की बात कर रहा हूं, ध्यान की बात। व्यक्ति का ध्यान जहां लगा होता है व्यक्ति वैसा ही सोचता है, और जैसा सोचता है वैसा ही करता है। अपने कर्म की गति को यदि ठीक करना है तो अपने ध्यान को ईश्वर में लगाना होगा। ईश्वर जुड़ाव का प्रभाव ही आपको बताया, जो पुण्य परमार्थ और धार्मिकता के रूप में आपको मिलता और वैसे ही कर्म कराता है। जिस दिन मनुष्य का व्यक्तिगत स्वार्थ समाज के भले में जाकर के लग जाए, अंदर से समाज के भले में जाकर के लग जाए, तो ये समझना जिस तरह से चीनी पानी में घुलती चली जाती है, व्यक्ति का व्यक्तित्व ईश्वर में घुलता चला जाता है। हर कुछ उसका अपना जर्रा जर्रा ईश्वरीय विशेषताओं से प्रभावित होने लग जाता है। निजी सीमाएं तोड़ करके जीव व्यापक में जाकर के विलय हो जाता है। ये जीव की यात्रा है जो गर्भ से शुरू होती है। मां के गर्भ में रहने के लिए भौतिक रूप से कितना संकुचित बड़ा छोटा सा क्षेत्र मिला है, परंतु जब संसार में जन्म लेता है इतना व्यापक ब्रह्मांड जो सुख सुविधाओं से परिपूर्ण है। गर्भ में कमाना खाना लाना उसकी कोई चिंता नहीं थी, संसार में आकर के सारी खूबियां ही खूबियां व्यक्ति को मिलती हैं। कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई दुख, कोई रोग, कोई पीड़ा इस संसार में नहीं है। जो हैं वो हमारी कमियां और कमजोरियां हैं। जिस दिन आपने इस संसार में प्रवेश किया था, संसार की धूप हवा, संसार के भोग, संसार के साधन सब ईश्वर ने आपको समर्पित कर दिए। सब कुछ समय आते 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 आपको मिलता चला गया। आदमी चलता है तो पिछले पैर को उठा करके आगे रखता है, परंतु पिछली जगह छूट जाती है, सब यहीं रहता है। वर्तमान में आपकी क्या स्थिति है
वो ही आप हैं। मैंने अभी कहा है हमारे पास जो कुछ भी है वो हमारा वर्तमान है और कुछ है ही नहीं। पैर दो हैं तो दो ही जगह टिके रहेंगे, तीसरी जगह नहीं कवर कर सकते। एक बार में आप एक डग ही चल सकते हैं, एक बार में आप एक जोड़ी कपड़ा ही पहन सकते हैं, एक बार में आप एक समय की रोटी खा सकते हैं, एक बार में एक समय का सांस ले सकते हैं। ऐसा नहीं किया जा सकता कि सारी जिंदगी इतना सांस मुझे लेना तो उस पर अपना अधिकार जमा करके बैठ जाऊं, पूरी जिंदगी में इतना खाना मुझे चाहिए उतने पर मैं अपना अधिकार जमा करके बैठ जाऊं। प्रकृति आपको निरंतर दे रही है, हर साल फसलें पैदा करती है, हर साल फल सब्जियां पैदा करती है, जो आपके नसीब का आपको मिलता चला जाता है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा यही चिंता है। ईश्वर विश्वास का मतलब यह है कि वो सबका है, सबको देता है और सबको देगा। जिन सुख सुविधाओं का हम उपयोग कर रहे हैं वो हमारे अकेले का ही पुरुषार्थ का फल नहीं है, वो हमारे अकेले के पुरुषार्थ का फल नहीं है, वरन हर किसी का उसमें कोई ना कोई सहयोग योगदान हर किसी का उसमें है, जो उसमें सम्मिलित है, दिखाई नहीं देता। हमें उसके उचित भाग का अपनी स्वार्थ सीमा को त्याग करके केवल प्रयोग करना चाहिए। उससे आगे हमें नहीं बढ़ना चाहिए, स्वार्थ आ जाएगा, ध्यान नहीं लगेगा, चिंताएं पैदा हो जाएंगी, अनेक तरह के रोग और कष्ट पैदा हो जाएंगे। मैंने अभी कहा जिस शरीर में हम बैठे हैं ये भी हमारा कहां है, ये भी हमारा नहीं है, ये भी किसी की दिया हुआ है। इसलिए हमें ये निर्णय लेना होगा कि अपना निर्माण पालन पोषण उन्नत और विकसित हम अपने आप को कैसे कर सकें। हारिता, ये जो कुछ मिला है इसी संसार से मिला है। मैंने कल कहा था और बेटा रीता तुमने लिखा भी था, अपने भले में अपना भला नहीं है, सबके भले में अपना भला है। आज जो तुम ले रहे हो उसमें तुम्हारी ही मेहनत नहीं लगी है, श्रेय तुम्हें मिल रहा है कि मैंने इतनी मेहनत करके कमा लिया, पर जो तुम्हें मिल रहा है उसके पीछे कितनी पब्लिक लगी हुई है वो दिखाई नहीं देती। किसान फसल पैदा करता है, श्रेय उसको मिलता है, परंतु हल का, बैल का, लोहार का, बढ़ई का और दूसरे जितने भी आदमी हैं उनके कितने सारे योगदान उस फसल को पैदा करने में होते हैं। किसान तो उसका जिम्मेदार होता है, इसलिए जिसका जो हक है वो उसको मिलना चाहिए,
जिसका जो भी हक है वो उसको मिलना चाहिए, वो उसका हक है। दूसरों का उपकार, अपना शोधन, दूसरों का उपकार अपना शोधन, दूसरों का सहयोग समाज की गति। इसलिए सेवा का, दूसरों पर उपकार का, अपने आप को शोधन करने का, अपने आप को महान मानवीय कर्तव्यों को निभाने का हमें रास्ता अपनाना चाहिए। उसी दिन मनुष्य का विकास श्रेष्ठतम रूप में आरंभ होने लग जाएगा। जरा सोचिए, संकीर्णता व्यक्ति को स्वार्थी और दिन पर दिन अपनी व्यक्तिगत कामनाएं और प्रमाद की तरफ हमको धकेल करके ले जाती हैं। दूसरों के हितों की रक्षा करना, ये पुण्य परमार्थ का कार्य है। सबके स्वार्थों के हित की रक्षा की जाए, श्रेष्ठ बनना है तो इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जो इस रास्ते को नहीं अपना रहे हैं वो नीचे गिरते चले जा रहे हैं, ये भी याद रखना। पूजा पाठ आपका एक सीमा तक, एक जगह तक काम करता है, परंतु वास्तव में जो काम करता है परमार्थ काम करता है। अभी आपको बताया कुछ भी तुम्हारा नहीं है, इतना कमाया, इतना जोड़ा, पीछे चला गया, अभी इतने सपने लिए हुए हैं, वो आगे भविष्य में पड़ा हुआ है। वर्तमान में आपकी क्या स्थिति है उसके बारे में जरा सोच करके देखिए। व्यक्तिगत कामनाओं को पैदा करके व्यक्ति अपने जीवन में असंतुलन को पैदा करता है। मनुष्य में इतना अभिमानी बनने का दुर्गुण पैदा हो जाता है कि वो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए दूसरे के अधिकारों का भी शोषण करता है। जब कोई व्यवधान फिर चाहे वो अपने मस्तिष्क का संतुलन खो करके अपने स्वार्थ की पूर्ति करे, क्रोध में उन्मुक्त हो करके ना करने योग्य कार्य करे, तो उसके लिए वो पाप बनते हुए चले जाते हैं और व्यक्ति उस पाप की सीमाओं में घिरता हुआ चला जाता है। मैं इसमें ये कहूंगा, व्यक्ति को हर हालत में अपने आपे को ऊंचा उठाना चाहिए। जितना व्यक्ति अपने आप को ऊंचा उठाता चला जाएगा उसका स्तर उतना ही ऊंचा उठता चला जाएगा। अगर स्वार्थ पर चलोगे
तो विवेक नष्ट हो जाएगा और ऐसी दशा पैदा हो जाएगी जिसकी आशा नहीं की जा सकती। इसलिए ऐसे काम नहीं करना जो समाज में समाज के लिए अहितकर होंगे, तो वो आपके लिए ही अहितकर होंगे। अविवेकी अथवा उन्मुक्त बुद्धि वाले व्यक्ति भगवान के इस भंडार का, भगवान की विभूतियों का अधिकारी नहीं बन पाते। उसे तो बस संसार ही में ही अभाव, असंतोष, अशांति की दैन्य पूर्ण स्थिति उसकी पैदा हो जाती है, जलता मरता और खपता रहता है। अपनी स्थिति को ऊंचा करना है तो ध्यान के माध्यम से अपनी चेतना को ऊंचा उठाना है, इसमें विवेक और परमार्थ को जन्म देना है। समय हो गया है, अब ध्यान करेंगे। ब्रह्म संधु दिव्य वातावरण, तीन दिव्य सत्ताओं का संरक्षण, त्रिवेणी संगम, भाव समाधि, वासना शांत, अहंता शांत, उद्विग्नता शांत, दिव्य दर्शन प्रातःकाल, पूर्व दिशा स्वयं सूर्योदय, स्वयं सूर्य सविता, गायत्री का प्राण सविता, सविता इष्ट लक्ष्य उपास्य, सविता प्रकाश ज्ञान प्रज्ञा, सविता अग्नि ऊर्जा ब्रह्मशक्ति, सविता ब्रह्म सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता, सविता उपास्य ब्रह्म वर्चस्व उपास्य, एकत्व अद्वैत साधक का सविता को समर्पण, समर्पण विसर्जन विलय, स
साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलनी जागरण, कुंडलनी जीवनी शक्ति, कुंडलनी अंतः ऊर्जा, कुंडलनी प्राण विद्युत, कुंडलनी योगाग्नि, कुंडलनी ब्रह्म ज्योति, सविता शक्ति का कुंडलनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का, प्रथम चरण कुंडलनी जागरण का, प्रथम चरण मंथन, मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन, मूलाधार मंथन, समुद्र मंथन, जीवन मंथन, प्राण मंथन, अग्नि मंथन, मंथन मंथन मंथन, मंथन मंथन से अंत ऊर्जा का संवर्धन, अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण, द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन, आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग, मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन,
स्थान उत्कर्ष अभ्युदय ऊर्ध्वगमन कुंडलिनी जागरण तृतीय चरण वेधन शोधन जागरण सविता सहयोग से षटचक्रों का वेधन मेरुदंड मार्ग के षटचक्रों का वेधन प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन चक्रवेद शब्दवेद लक्ष्यवेद वेधन शोधन जागरण षटचक्रों का जागरण मूलाधार चक्र जागरण स्वाधिष्ठान चक्र जागरण मणिपुर चक्र जागरण अनाहत चक्र जागरण विशुद्ध चक्र जागरण आज्ञा चक्र जागरण षटचक्र जागरण कुंडलिनी जागरण चतुर्थ चरण विस्तरण सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार ब्रह्म सत्ता में विस्तार चिंगारी का दावानल में विस्तार
ज्योतिका ज्वाला में विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलनी जागरण, पंचम चरण, पंचम चरण कुंडली का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्मज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलनी जागरण, मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंत ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग जागरण, ब्रह्मज्योत जागरण, कुंडलनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण, ओम ओम।
तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय ॐ मृत्योर्मा मृतंगमय मृत्योर्मा मृतंगमय मृत्योर्मा मृतंगमय तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय पंचोंकार पंच कुंडली गागर के पांच चरण पंचोंकार फिर आए आज की बात संपन्न।